नमस्ते, मैं आपकी चीनी दोस्त मीरा। आजकल क्या मुझे पता नहीं, क्या आपने एक जी न्यूज का एक खबर देखी थी? इस न्यूज वीडियो देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और आज मैं इस वीडियो का रिएक्शन आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए, ये जी न्यूज का वीडियो नाम है अमरीकी प्रोफेसर ने भारत को बताया गंदा देश, मिला करारा जवाब। ओके, हम देखते हैं इस प्रोफेसर ने क्या क्या कहा। अमेरिका की एक महिला प्रोफेसर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो मुझे मालूम है आजकल ये इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली प्रोफेसर, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, इतना अच्छा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर क्यों इतना गंदा शब्द क्यों ऐसे बोलती है? इस बयान को सुनकर हर भारतीय को गुस्सा आ जाएगा। ना केवल भारतीय लोग, मैं एक जीनी हूँ, लेकिन ये वीडियो उनका भाषण देख कर मुझे भी गुस्सा आ रहा है। लोगों और ब्राह्मण महिलाओं के लिए बेहद ही शर्मनाक बात कही है। ये तो ब्राह्मण महिला की क्या बात है, कोई संबंध नहीं है, जो किसी गाली से कम नहीं है। इस प्रोफेसर ने भारत को गंदा देश बताया। जब मैं भारत जाने से पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि भारत में शायद बहुत गंदा है और टिश्यू पेपर नहीं मिलते हैं, ये खाने भी बहुत गंदा है। लेकिन जब मैं भारत पहुंचने के बाद तो मुझे मालूम है, तो भारत बहुत सुंदर देश है। कुछ मीडिया की रिपोर्ट बिल्कुल गलत है और ब्राह्मण महिलाओं के लिए गलत शब्द कहे। So take, you know, the Brahmin, on some level, their country is a excuse my language. क्या कहा? जिस समय ये प्रोफेसर टीवी शो में अपनी छोटी सोच दिखा रही थी, टीवी शो में भी ऐसी कहते हैं क्यों? उस प्रोग्राम का एंकर और ये प्रोफेसर हंस रहे थे। टकर कार्सन टुडे, आने वाले समय में मैं इस शो जरूर नहीं देखूंगी। ये तो गलत खबर है, क्यों? तो गलत खबर तो हमेशा टीवी शो में दूसरों को दिखाते हैं। इस प्रोफेसर ने कहा कि ब्राह्मण महिलाओं को सिखाया जाता है कि वो हर किसी से बेहतर हैं। हम इन्हें और भारतीय लोगों को अपने देश में काम का मौका देते हैं। मेरे विचार में तो भारतीय लोग सब कुछ कर सकते हैं, वे हमेशा तो मेहनत से काम करते हैं। बता दूं कि इनका देश गंदा है। अब कोई इस प्रोफेसर से पूछे कि यहाँ ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण की बात कहाँ से आई? दूसरी बात ये कि भारतीय महिलाओं को मौका देकर कोई एहसान नहीं किया गया। भारतीयों को नौकरी मिली तो उनकी योग्यता के दम पर। वैसे ये प्रोफेसर यही नहीं रुकी, इसने भारतीय और दूसरे एशियाई डॉक्टरों की भी आलोचना की। ये प्रोफेसर बोली कि ये सभी लोग जानते हैं कि हमने उन्हें हर तरह से पछाड़ दिया है, इसलिए वो शर्म महसूस करते हैं हमारे देश में आकर। क्या हमें बात ही बुरा है कहते हैं। वैसे ये कहना मुश्किल है कि जिस समय ये प्रोफेसर इस तरह के बयान दे रही थी तब उसकी मानसिक स्थिति क्या थी। उसकी मानसिक क्या स्थिति थी? कोई भी देश में अच्छे चीज है और शायद कुछ शॉर्टेज है, एडवांटेज भी है, सभी देशों के लिए भी है। भारत ऐसे भी है, चाइना भी है, अमेरिका भी है, लेकिन इसका मतलब नहीं है जो इस देश एक गंदा देश है और इस देश में तो सब कुछ तो समस्या होती है। ऐसा तो गलत है। जो दूसरों का आलोचना करने और ये गंदा शब्द यूज करने का कोई मतलब नहीं है। इस महिला प्रोफेसर ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसे यहाँ बोलना ठीक नहीं होगा। बहरहाल ये प्रोफेसर शायद सहन नहीं कर पा रही कि अमेरिका में भारतीयों का कितना बड़ा योगदान है। ये शायद नहीं जानती कि अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों को भारतीय ही चला रहे हैं। जी हाँ, क्या आपको मालूम है कि अमेरिका में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनी में सीईओ कौन है? सब तो भारतीय लोग हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं भारतीय लोगों ने अमेरिका के लिए कितना योगदान दिया है। मेडिकल और आईटी जैसे क्षेत्रों में भारतीय लोगों का, हाँ, मेडिकल और आईटी, ये पूरी दुनिया में सभी लोगों को मालूम है। मेरी याद में जब हर बार मैं भारत गई थी और मेरे पास बहुत ज्यादा चीनी दोस्तों मुझे रिक्वेस्ट करते थे कि मीरा, क्या आप मेरे लिए कुछ भारतीय दवा वापस ले सकते हैं? भारत में ये मेडिकल, ये सब दवा अच्छा क्वालिटी है और अच्छा दाम मिलता है। ये प्रोफेसर शायद ये भी भूल गई कि कुछ समय पहले अमेरिका में 8 भारतीय मूल की महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया था। हाँ, क्योंकि हम सब पता है अमेरिका में बहुत ज्यादा भारतीय महिला ने भी बड़ा योगदान दिया है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि एमी वैक्स नाम की इस प्रोफेसर ने भड़काऊ बयान दिया हो। एमी वैक्स ने रंग के आधार पर छात्रों की रंग के आधार पर दूसरों को आलोचना कहा था कि अमेरिका तब बेहतर होगा
जब एशिया से कम लोग यहाँ आएंगे। ये क्या बात है, हम सब पता है अमेरिका पूरे देश में जो विभिन्न रंग विभिन्न जाति वाले लोग रहते हैं। अगर अमेरिका सिर्फ उनके व्हाइट पीपल रहते हैं तो अमेरिका कैसे सुधार हो सकते हैं, कैसे विकास कर सकते हैं? एशियाई लोगों के लिए ये दुख की बात है। हमारे एशियाई लोग हम हमेशा मेहनत से अपनी कोशिश से काम करते हैं और अपनी कोशिश से पैसे कमाते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देश में कुछ लोग हमेशा ऐसा लगता है कि एशियाई लोग उनके देश में कोई भी योगदान नहीं किया। अब इस प्रोफेसर की जानकारी के लिए हम बता दें कि अगर भारतीय और एशियाई मूल के लोग अमेरिका में काम करना बंद कर दें, कम तो करना बंद कर दें, में अमेरिका चुटकियों में घुटनों पर आ जाएगा। अगर अमेरिका या चाइना या कोई भी दूसरे देश में अगर एशियाई लोग या भारतीय लोग सभी तो निकाल करके उनके देश में जरूर विकास नहीं हो पाएगा। और इस वीडियो के अंत में सभी एशियाई लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपके बिना हमारे एशिया महान नहीं हो पाएगा और पूरी दुनिया महान नहीं हो पाएगी। इसलिए आप सभी की कोशिश के लिए, आप सभी के मेहनत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी एशियाई लोग हूँ, एशियाई महिला हूँ, हम एक साथ कोशिश करें।